हेलो, नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने के लिए आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। आपसे मुझे 3 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये कि क्या आप इंसान हैं? अगर हाँ तो क्या आप इंसानियत में बिलीव रखते हैं? अगर हाँ तो क्या आप दूसरों की मदद करते हैं? अगर हाँ या ना, क्या आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आप इंस्टागामा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इंस्टागामा चैनल और इंस्टागामा फाउंडेशन होमलेस और नीडी पीपल्स को फूड, शेल्टर, सब कुछ देने का प्रयास कर रहा है। तो आइए, जुड़ जाइए हमारे साथ और अपने 3 पावर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब को बिल्कुल यूज़ करिए और इंडिया को बिल्कुल होमलेस पीपल फ्री बनाइए, जिससे पूरा इंडिया और पूरा देश बहुत ही तेजी से आगे बढ़ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का बेसिकली वीडियो हमारा जो है ये है स्विगी पे अपने रेस्टोरेंट को, अपने क्लाउड किचन को, अपने होम किचन को कैसे आप स्विगी पे ऑनबोर्ड कर सकते हैं, कैसे आप स्विगी पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो स्विगी पे रजिस्टर करने के लिए आपको सिंपल से कुछ प्रोसेस फॉलो करने हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स देने हैं और आपका रेस्टोरेंट लाइव हो जाएगा। तो पहले जान लेते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है फूड लाइसेंस, दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वो है मेन्यू, तीसरा डॉक्यूमेंट जो है वो है GST और GST डिक्लेरेशन, चौथा डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड, पाँचवा डॉक्यूमेंट है कैंसिल चेक, छठवा डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, और आपको देना होगा बिल कॉबनी कॉपी यानी रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब कि जो आप कस्टमर को एक रिसिप्ट देते हैं वो रिसिप्ट आपको देनी पड़ेगी। सातवां डॉक्यूमेंट है आपका फ़ोन नंबर, आठवां डॉक्यूमेंट है आपका ईमेल आईडी, नौवां डॉक्यूमेंट है मैनेजर का फ़ोन नंबर, दसवां डॉक्यूमेंट है आपका रेस्टोरेंट लोकेशन, डॉक्यूमेंट्स की इनसाइड डिटेल्स देख लेते हैं। तो पहला आपका जो डॉक्यूमेंट है वह फूड लाइसेंस। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड पे स्क्रीन में ये फूड लाइसेंस का एक सैंपल आपको दिया गया है। पहली चीज आप ध्यान में रखिए, फूड लाइसेंस जब भी आप दे रहे हैं ये फूड लाइसेंस आपका वैलिड होना चाहिए। और दूसरी बात कि आपका फूड लाइसेंस एप्लीकेशन नंबर एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आपको जब भी देना है पूरा फूड लाइसेंस, जब तक आपका बन के नहीं आता तब तक आप मत आइए स्विगी पर रजिस्टर करने के लिए, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपका डॉक्यूमेंट। सेकंड आपका जो है वो है मेन्यू कार्ड। मेन्यू कार्ड आप देख सकते हैं, पहला चीज़ कि आपको इंग्लिश में होना चाहिए, दूसरा ये एक्सेल में भी चल सकता है, अगर आपके पास में टाइप्ड इंग्लिश में नहीं है तो आप एक्सेल में भी चला सकते हैं, तीसरा आप बेटर रिजल्ट के लिए अपने मेन्यू कार्ड पे आइटम्स के डिस्क्रिप्शन दीजिए, जिससे आपके जितने भी रेस्टोरेंट पे आपके कस्टमर्स आएंगे उनका कन्वर्जन बहुत ही अच्छा होगा। अगर चौथा पॉइंट, अगर आपके पास में मेन्यू कार्ड नहीं है तो आप canva.com, जैसे कि आप मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं canva.com है, इस साइट पे जाइए और यहाँ पे आप अपना मेन्यू कार्ड बना सकते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ। तो हमारा तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है GST और GST डिक्लेरेशन। GST तो आप लोग को पता ही होगा, यहाँ पे आप देखिए राइट हैंड साइड पे GST सर्टिफिकेट का एक सैम्पल दिया गया है, तो ये बेसिकली GST सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास में GST नहीं है तो आप GST डिक्लेरेशन दे सकते हैं। डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि आप स्विगी को ये कहते हैं कि मेरा जो रेस्टोरेंट है वो इतना बिजनेस नहीं करता है कि GST मैं GST फिल कर पाऊँ, GST फाइल कर पाऊँ, इसलिए मैं डिक्लेरेशन दे रहा हूँ। तो ये बेसिकली 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। चौथा चीज़ है जो हमें, चौथा डॉक्यूमेंट जो है वो है कैंसिल चेक या पासबुक का फ्रंट पेज। तो आपको पता ही होगा कैंसिल चेक जो होता है वो सिंपल जो मैंने आपको राइट साइड में दिखाया है, और पासबुक जो है अपर साइड में लेफ्ट हैंड पे दिख रहा है, ये बेसिकली पासबुक का फ्रंट पेज है। दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप दे सकते हैं। आप बस एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जब भी आप फोटो ले रहे हैं वो बहुत ही क्लियर और क्रिस्टल होनी चाहिए, मतलब उसमें जो भी एक एक वर्ड है वो साफ साफ दिखाई देना चाहिए, जैसे आपका अकाउंट नंबर हो गया, आपका फूड, आपका फसाई नंबर हो गया, सब कुछ आपका A to Z यहाँ पे दिखना चाहिए। तो आप बस इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, वो है पैन कार्ड। तो पैन कार्ड का भी सेम रूल्स अप्लाई होता है कि पैन कार्ड आपका बहुत ही क्लिस्टर और क्लियर होना चाहिए, उसमें एक एक वर्ड आपका पैन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ वहाँ पे बहुत ही क्लियरली विजिबल होना चाहिए। हमारा जो आखिरी डॉक्यूमेंट है वो है आधार कार्ड। सो आधार कार्ड पे भी सेम चीज़ कि आपका बहुत ही क्लियर होना चाहिए और वहाँ पे एक एक वर्ड विजिबल होना चाहिए। तो ये बेसिकली सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए जो हमें देने हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो डिटेल्स की। तो डिटेल्स में आपको
पहला ओनर फ़ोन नंबर होना चाहिए, जो आप अगर ओनर हैं तो अपना नंबर दे दीजिए। दूसरी चीज़, आपका रेस्टोरेंट का भी फ़ोन नंबर होना चाहिए, जिससे रेस्टोरेंट पे जब भी कोई ऑर्डर में कुछ डिले हो रहा हो, या फिर रेस्टोरेंट पे किसी भी टर्म्स के लिए बात करनी हो, या फिर कोई भी चीज़ों के लिए बात करनी हो, तो डायरेक्टली वो रेस्टोरेंट को कॉल करके बात कर सकें स्विगी वाले। या तो आपका ओनर जो फ़ोन नंबर है, वो आपको सारे डिटेल्स जानने के लिए होते हैं कि आपके फाइनेंस में क्या चल रहा है सब कुछ, या फिर किसी अगर आपके रेस्टोरेंट पे कॉल आता है, मतलब किसी चीज़ के रिगार्डिंग जिसको आपको जानना ज़रूरी है, तो वो आपके ओनर फ़ोन नंबर पर बताया जाएगा। फिर लास्ट आपका है ईमेल आईडी भी आपको स्विगी को देनी पड़ती है, जो कि आपके जिस पे आपके सारे बैंक स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट सारे आपके ईमेल आईडी पे आते हैं। जो और एक डॉक्यूमेंट आपको डिटेल सॉरी एक और डिटेल आपको देनी है, वो है व्हाट्सएप लोकेशन या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। सो व्हाट्सएप लोकेशन आपको देना बहुत ज़रूरी है, इसमें ही बेसिकली व्हाट्सएप लोकेशन से ही आपका जो है रेस्टोरेंट की लोकेशन पता चलती है। तो आप बेसिकली देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर के कैसे आप व्हाट्सएप लोकेशन निकाल सकते हैं, या फिर अपना आप गूगल मैप के थ्रू लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकाल लीजिए। तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है जब भी आप अपने स्विगी पे अपने रेस्टोरेंट को ऑनबोर्ड कराना चाहें तो। और ऑलमोस्ट यही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जोमेटो पे ऑनबोर्ड कराने के लिए भी चाहिए। तो चलिए अब हम लेके चलते हैं आपको कि कैसे आप अपना रेस्टोरेंट जो है स्विगी पे ऑनबोर्ड कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने फॉर्म अपने फ़ोन से भी चाहे तो जो मैं साइट बताने वाला हूँ इसको ओपन कर सकते हैं, या तो अपने आप जो आपका डेस्कटॉप लैपटॉप है उस पर भी ओपन कर सकते हैं। तो बेटर व्यू के लिए कि आपको हर एक चीज़ बहुत ही क्लियर दिखे, मैं अपने लैपटॉप पर ही ओपन करूँगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो आप देख रहे हैं कि हम आ चुके हैं अपने गूगल स्क्रीन पे। आपको यहाँ पे टाइप करना है स्विगी पार्टनर विथ अस, ये चीज़ आपको टाइप करना है और ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिंक दिख जाएगा पार्टनर विथ अस का, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करके आप ओपन कर लिए, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप ऐसे पोर्टल पे पहुंचेंगे जहां पे आपके रेस्टोरेंट को लिस्ट करने के लिए दिया जाएगा। तो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट सारे बताए थे आप देख सकते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट यहां पे बताए गए हैं, फूड लाइसेंस, जीएसटी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक, योर रेस्टोरेंट मेन्यू और बैंक डिटेल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लेट्स गो पे यहां पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लेट्स गो पे क्लिक करेंगे आपको सारी डिटेल्स यहां पे फिल करने के लिए आ जाएंगी। तो पहले मैं अपना सिटी देख लेता हूँ, मेरा सिटी है मुंबई, मैंने सिटी मुंबई सेलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ पे रहता हूँ जुहू में, जुहू पे मैंने कर लिया। मैं यहाँ पे अपना रेस्टोरेंट नाम डालूँगा हवेली पाव, ठीक है। यहाँ पे अब मैं ओनर नंबर डालूँगा और मैं यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर लूँगा, ठीक है। सो मैंने जनरेट ओटीपी पे क्लिक किया है और मेरे पास में अब ओटीपी आ जाएगा, मेरे पास में ओटीपी आ चुका है। मैं ओटीपी अपना एंटर कर देता हूँ, ठीक है। मैंने ओटीपी एंटर किया और वेरीफाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। डू यू वांट स्विगी टू गेट एन अपडेट फ्रॉम व्हाट्सएप, आप इसको यस भी कर सकते हैं, आप इसको नो भी कर सकते हैं। आप इसको नो कर दीजिए, मैं अभी इसको नो कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको प्लीज़ यस करके रखिएगा जिससे आपके व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आता रहे। अब इसके बाद मैं इसको प्रोसीड कर दूंगा। मेरे प्रोसीड करते ही आप देख सकते हैं कि अब हम ये वाला हमारा रेस्टोरेंट डिटेल्स जो है वो क्लियर हो चुका है। अब हम आ चुके हैं फसाई डिटेल्स पे। फसाई डिटेल्स में जो आपके पास में फूड लाइसेंस मैंने बताया था उसको आप वहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे दिखा हुआ कि फूड लाइसेंस आपके पास में है, आप यस कर दीजिए और फूड लाइसेंस की एक्सपायरी डेट डाल दीजिए। एक्सपायरी डेट आपके फूड लाइसेंस में वैलिड अप टू सेक्शन में दी हुई होती है, आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा, वो आप देख लीजिएगा। तो मैंने डाल दिया अपना जुलाई 35। अब मैं फूड लाइसेंस का नंबर रजिस्टर जो मेरे पास में है वो मैं डालूंगा। मैंने यहाँ पे अपना नंबर डाल लिया है, अब मैं इसको वैलिडेट फसाई करता हूँ। देखिए वैलिडेशन हो रहा है, मेरा वैलिड फसाई जो है ये वैलिडेट हो चुका है, ठीक है। अब मैं इस पर आगे प्रोसीड कर दूंगा। मैंने प्रोसीड कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि कमीशन आपका जो है वो 24% आपका ग्रॉस कमीशन होगा, ठीक है, और प्लस 1500 रुपये आपके जो है ये सर्विस फीस यानी ऑनबोर्डिंग फीस है जो इनकी, वो डिडक्ट की जाएगी, ठीक है। तो हम इस पर एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट कर दिया है मैंने। एक्सेप्ट होते ही आपका जो है ओनर का वापस से लोकेशन और डिटेल्स मांगना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हम देंगे ओनर, आर यू ओनर ऑफ मैनेजर और मैनेजर। तो मैं हम यहाँ पे रेस्टोरेंट ओनर है, मैंने रेस्टोरेंट ओनर डाल दिया। रेस्टोरेंट ओनर नेम मैंने डाल दिया राहुल कनौजिया, ठीक है। ओनर नंबर मेरा पड़ा। मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डाल लेता हूँ। तो मेरी ईमेल आईडी है psprommodel@gmail.com। मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी है। अब यहाँ पे इनवॉइसिंग ईमेल आईडी है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो चीज़ें यहाँ पे आपको सही चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं कि आपका जो इनवॉइसिंग ईमेल आईडी है वो आईडी है जिस पे आप चाहते हैं कि आपको सारे स्विगी इनवॉइस भेजे।
तो अगर वो ईमेल आईडी आपको देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, और यहाँ पे इनवॉइसिंग ईमेल आईडी में डाल देता हूँ मैं psprow@, जो मेरी इनवॉइसिंग ईमेल आईडी है, जो Instagram की ईमेल आईडी है, वो मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन पूछा गया कि इज ओनर एंड मैनेजर इज सेम, आप अगर यस रहेगा तो आपसे कोई डिटेल नहीं पूछा जाएगा, और नो रहेगा तो मैनेजर्स की डिटेल, मैनेजर का मोबाइल नंबर और मैनेजर की ईमेल आईडी आपको देनी होगी। मेरे केस में अभी ये यस है तो मैंने इसको कर दिया। ठीक, अब आप आ सकते हैं जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि व्हाट्सएप लोकेशन, तो यहाँ पे आपको लोकेशन डालनी होगी। तो मेरी जो लोकेशन है, लेट से है नवी मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है, ये मेरी लोकेशन है, और मेरी लोकेशन RP8 पटेल के पास में है, पाटिल के पास में, ठीक है। सो मैं काम करूँगा कि RP पाटिल गार्डन सीधा डाल दूँगा, RP पाटिल गार्डन, ठीक है, RP पाटिल हाई स्कूल, ठीक है, ये मैंने लोकेशन अपनी डाल दी। अब जैसे ही मैं लोकेशन डालूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मेरा आ चुका है, यही आपको स्टार्टिंग में ज़रूरत होती है। ये मेरा पूरा एड्रेस आ चुका है, मेरा पोस्टल कोड है, पोस्टल कोड को वेरीफाई पोस्टल कोड करेंगे और यहाँ पे हम वापस से प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड हो चुका है और ये हमारा ये भी चीज़ पास हो गई। अब हम आ गए हैं GST और पैन पे, अपने GST पैन पे आ चुके हैं हम। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे GST और पैन डिटेल्स फिल करनी है। प्लीज़ प्रोवाइड द वैलिड GST पैन डिटेल्स, वही चीज़ है। यहाँ पे अगर आपका 20 लाख से टर्नओवर अगर आपका एनुअली कम है तो आप ये डिस्क्लेरेशन आप दे सकते हैं एज ए बी एस, ठीक है। यहाँ पे आपका ई कॉमर्स, तो अब मैं पैन डिटेल्स अपने फिल करूँगा। मैंने यहाँ पे अपने पैन कार्ड डिटेल्स को फिल कर लिया, अब मैं इसको वैलिडेट करूँगा। सो ये मेरा वैलिडेशन हो चुका है। अब मुझसे ये मांगा जा रहा है कि आप अपना पैन कार्ड का जो है इमेज जो है अपलोड करिए। सो मैं यहाँ पे इमेज पे अपलोड करूँगा और मैं अपने जो मैंने पैन कार्ड जहाँ पे भी रखा हुआ है वहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसको अपलोड कर दूँगा, ठीक है। सो मैं आ गया सैम्पल्स में, मेरा पैन कार्ड है, मैंने यहाँ से अपलोड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको GST नंबर देना है अपने रेस्टोरेंट का, तो उसको हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। मैंने अपना GST नंबर एंटर कर लिया है। अगर आपके पास में GST है तो आप ऐसे एंटर करके यहाँ पे क्लिक टू वेरीफाई पे क्लिक करके और इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में GST नहीं है तो आपको सिंपल है डू यू हैव अ GST पे नो कर देना है। यहाँ पे नो कर दीजिए, मेरा बिजनेस एंटिटी नेम आ गया है, बिजनेस एंटिटी एड्रेस आ गया। अब मुझे क्या करना है, प्रोसीड कर देना है। मैं प्रोसीड कर दिया, अब ये ऑटोमेटिकली मेरा जो है डिक्लेरेशन जो है वो साइन अप हो गया है। अब मैं आगे बढ़ूंगा, मैं मुझे बैंक डिटेल्स अपनी एंटर करनी है। सो बैंक डिटेल्स में सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बैंक डिटेल्स आप एंटर कर लीजिए, फसाई IFSC कोड एंटर कर लीजिए और अपलोड कर दीजिए इमेज। सो मैं आपको को करके दिखाता हूँ। मैंने अपनी बैंक डिटेल्स एंटर कर ली है। मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये बैंक डिटेल्स है, जो भी आधार कार्ड आप देख रहे हैं सब कुछ, कोई भी कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब मैंने रैंडम गूगल से सैंपल उठाया हुआ है। और जैसे आप बैंक डिटेल यहाँ पे एंटर करेंगे, आपको यहाँ पे क्लिक टू वेरीफाई IFSC कोड पे क्लिक करना होगा। देखिए मैंने अपना क्लिक कर दिया, मेरा ये पूरा डिटेल जो है खुल के आ गया। अब यहाँ पे आपका बेनिफिशियरी नेम जो भी होगा वहाँ पे दिख जाएगा, आपका बैंक सिटी दिख जाएगा, स्टेट नेम, ये सब कुछ आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अपना जो इमेज है, जो सैम्पल इमेज मैंने रखा है, मैं इसको अपने कैंसिल चेक का अपलोड कर दूँगा। मैंने आपको देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप मैं KYC के लिए अपना आधार कार्ड अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये समझ लीजिए आधार कार्ड है मेरा, मैंने इसको अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रोसीड कर दूंगा। हाँ जी, तो हमने बैंक वेरिफिकेशन प्रोसेस कर लिया है, अब हमारा ई साइन प्रोसेस है। सो ई साइन में बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे जो MOU मैंने साइन किया था वो यहाँ पे MOU आ गया है मुझे रीड करने के लिए। मैं चाहूँ तो इसको व्यू MOU करके पढ़ सकता हूँ, बट मैंने पढ़ लिया ऑलरेडी, तो मैं इस पर I have read the MOU पे क्लिक करूँगा। I have read MOU पे क्लिक कर लिया है। अब हम रीड द GST डिक्लेरेशन, अब इसको भी चाहें तो मैं खोल के देख सकता हूँ, बट हमने ऑलरेडी देख लिया है। सो हम कुछ नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली आएंगे जनरेट OTP पे और जनरेट OTP पे क्लिक कर देंगे। अब OTP जा चुका है, OTP हम अपने फ़ोन नंबर से लेके यहाँ पे वेरी किया, तो अपना हम यहाँ पे वो OTP डाल लेंगे और हम वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप व्यू साइंड MOU और ऑल साइंड डॉक्यूमेंट्स है तो ओपन करके देख सकते हैं, और ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको ईमेल पे भेज देंगे स्विगी। उसके बाद हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमारा ऑनबोर्डिंग फॉर्म खुल जाएगा। ऑनबोर्डिंग का फॉर्म का मतलब, इस पर कुछ बेसिक डिटेल्स देनी पड़ेंगी, जैसे ये है कि आर देर एनी ऑर्डर आइटम पैकेजिंग चार्ज, तो कोई आप पैकेजिंग चार्ज लेते हैं तो आप लगा दीजिए कि हाँ आप आइटम लेवल पर लेते हैं, मतलब
सो 10 आइटम पे, जैसे 10 आइटम आपका पैक हुआ, 10 रुपये आपने चार्ज ले लिया, फिर सॉरी आइटम लेवल का मतलब कि हर एक आइटम पे, जैसे अगर आपका 5 आइटम पैक हुआ तो हर एक आइटम पे 10 रुपये आपने चार्ज ले लिया तो 50 रुपये हो गया। या फिर कार्ट लेवल का मतलब ये हो गया कि आपको 10 रुपये, अगर मान लीजिए आपको कोई 10 ऑर्डर आए हुए हैं, एक ऑर्डर में 10 सामान का ऑर्डर आया हुआ है, तो आप उस पर पूरा टोटल सामान पे 10 सामान पे सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये लेंगे। तो मैं दोनों ने लेता हूँ, और अगर आपको लेना भी है सबसे जो बेटर होगा वो होगा कि आप आइटम लेवल ना लगा के कार्ट लेवल लगाइए, क्योंकि आइटम लेवल पे 10 आइटम अगर कस्टमर लेता है तो 10 10 मतलब 100 रुपये का पैकेजिंग चार्ज होगा, तो इसलिए आप कार्ट लेवल लगाइए। इसलिए हम इसको पहले, मैं कुछ लेता हूँ, मैं नन कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे डज एनी हैव एम आर पी, कोई ऐसा आप आइटम सेल आउट करते हैं जिसके एम आर पी पे हो, तो मेरा वो भी नो है, मैं इसको प्रोसीड कर देता हूँ। इसके बाद हम आ जाते हैं मेन्यू डिटेल्स पे, व्हाट इज टाइप ऑफ कुजीन, तो मेरा जो कुजीन है वो है चाइनीज़ का, मैंने चाइनीज़ डाल दिया। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 2 है, यहाँ पे आप 2-3 कुजीन चाहे तो डाल सकते हैं, चाइनीज़ हो गया, बिरयानी हो गया, बाकी एक्सट्राजेड। यहाँ पे कॉस्ट फॉर 2 मतलब 2 लोग कितने पैसे में खाना खा सकते हैं, मेरा 250 रुपये में खा सकते हैं, मैं 250 रुपये डाल देता हूँ। क्या मेरा रेस्टोरेंट प्योर वेज है, मैंने प्योर वेज डाल दिया। अपलोड योर मेन्यू, अब यहाँ पे मेन्यू में अपलोड करता हूँ, तो इमेजेस सेक्शन में जाऊँगा मैं। इमेजेस में बेसिकली आप जो फोटो अगर आपके पास होगी तो वो, या डॉक्यूमेंट में आप एक्सेल में डाल सकते हो, तो मेरे पास में इमेजेस है तो मैं फोटो डाल दूंगा। लेट्स से मेरा यही मेन्यू डाल दिया अपना, ठीक है। और फिर यहाँ पे है कि टेक अवे बिल को आप डालना है, तो मैंने फिर दोबारा से इमेजेस में लिया और मैं ये, लेट से मेरा ये टेक अवे मेन्यू है, मैंने ये टेक अवे मेन्यू डाल दिया। इसके बाद हम डाल के इसको हम क्या करेंगे, प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड देखिए हो गया, प्रोसीड होने के बाद में ओपनिंग क्लोजिंग टाइमिंग डालनी है कि कब आपका, इसमें 3 ऑप्शन है कि क्या आपका पूरे दिन खुला रहता है, या फिर वीकेंड्स पे खुला रहता है, वीकडेज पे बंद रहता है, या फिर आप उसमें कस्टम डाल सकते हैं कि मंडे ट्यूसडे वेनेसडे कब कब खुला रहता है, कब कब बंद रहता है। तो मेरा जो रहता है ये ऑल डे सब दिन खुला रहता है। उसके बाद कितने बजे खुलता है, कितने बजे बंद होता है, तो मेरा लेट से 10 बजे खुलता है और सुबह में, और मेरा जो बंद होता है वो रात के 23:45 पर बंद होता है, मतलब 11 बजे बंद होता है। उसके बाद मैंने प्रोसीड कर दिया 11:45 पर, उसके बाद मैंने प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करने के बाद दोबारा से सारा प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद में मेरे पास में जो इसका फीडबैक है वो आ जाएगा कि ये क्या सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ करके। हम वेट करेंगे जब सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो इस नंबर से हो सकता है आपके पास में कॉल आ सकती है कुछ वेरिफिकेशन प्रोसेस पूछने के लिए, या फिर कुछ भी अगर उनको डाउट रहता है, तो इस तरीके के नंबर से जिसका बेंगलुरु कर्नाटक लेके आ रहा होगा, उस तरीके से आपको स्विगी से कॉल आ सकती है, आप उसको रिसीव करिए और जो भी डिटेल्स को पूछते हैं उनको बताइए। इसके बाद आपके पास में YMO पार्टनर का एक मेल आ जाएगा, जिसमें ये लिखा रहेगा कि आपका जो बैंक डिटेल्स जो आपने दी है उसका डॉक्यूमेंट रहेगा, आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, और बस आप लाइव हो चुके हैं स्विगी के साथ में। और तो बहुत ही तगड़ा वीडियो रहा ये, मैंने आपको एक एक चीज़ें बहुत ही आराम से एक एक चीज़ समझा के बताई है। तो आप चाहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप जो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे वो आपका एक डोनेशन माना जाएगा, और आप डोनेट करेंगे बेसिकली हमारे इंस्टाग्राम फाउंडेशन में, जिसमें हम फूडी और नीडी पीपल्स को हेल्प आउट करते हैं। इसके बाद मैं एक आपको और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, आपको सिंपल इसके बाद कुछ नहीं करना है, आप अपना जाइए प्ले स्टोर पे और वहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिए स्विगी का पार्टनर ऐप। स्विगी का डाउनलोड करने के बाद आप उसको इंस्टॉल करके आपके जो ईमेल आईडी पे रेस्टोरेंट आईडी या पासवर्ड आया हुआ है, उस रेस्टोरेंट आईडी और पासवर्ड को डाल लीजिए, और वहाँ से आप लॉगिन करके ऑर्डर रिसीव करना स्टार्ट कर लीजिए। इसके बाद हमने ऑर्डर रिसीव कैसे करते हैं उसका वीडियो आपके ऊपर बॉक्स में आ रहा है, आप उस पर क्लिक करिए और उसको भी देख लीजिए। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब।